अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख जव्वार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाक है वो ज़ात जिसने शम्स व कमर का निज़ाम जो है वो तख्लीक फरमाया, और दुनिया के मामलात में इसका इतना अमल दखल है कि आपको अगर पता चल जाए तो आप सरप्राइज हो। मैंने एक आर्टिकल लिखा था 2006 में इंसान कायनात और आदात के हवाले से, जो कि इमामिया जंतरी में पब्लिश हुआ। मैंने उसमें बताया था कि हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से मरबूत है, बात सिर्फ इतनी है कि आप उसके रब्त को समझते हैं या नहीं। पिछले कुछ अरसे से हमने एक सिलसिला जो है वो बनाया दुआओं की कबूलियत का, ख़ास वक़्त और ख़ास अमल। मैंने कोशिश की और मेरी कोशिश से ज़्यादा परवरदिगार के फजल का उसमें दखल था। बहुत सारे अमाल उसमें आपको बताए गए, तीन तीन चार चार अमाल जो है वो आपको बताए गए। वजह ये थी कि मैं देखता था जायचा, और जायचे में जो शर्फ़ कमर का एंड टाइम होता था उसको मद्देनज़र रखते हुए देखता था कि कहाँ कहाँ पे जो है वो अच्छे हालात बन रहे हैं, किन मामलों में कुदरत जो है वो मेहरबान है, तो उसके मुतल्लिक आपको अमाल बता दिए जाते थे। लेकिन इस बार आपको मैं स्ट्रॉन्गली कहूँगा कि इस बार शर्फ कमर का जो वक़्त है ये बहुत अच्छा नहीं है, चूँकि कमर जो है ये ग्रूब में होगा। इस वक्त आपके सामने मैं ये शेयर करने लगा हूँ जायचा, ये शर्फ कमर का है जो कि 2:45 पर स्टार्ट हुआ, और आप इसमें देख सकेंगे कि ये जो जायचा है इसमें कमर एग्जैक्टली चौथे घर में शर्फ पे है और तीसरा दर्जा उसका स्टार्ट होने को जा रहा है। अब ये जो टाइम है इसमें मून भी कंबस्ट में है, गुरूब की हालत में है, जायचे में भी ये चीज़ भी आपके पास सामने मेंशन हो रही है। उसके अलावा वीनस जो कि चौथे घर का हाकिम है वहाँ से भी कमर को पावर नहीं मिल रही, वो भी गुरूब की हालत में है। और तीसरा सियारा हमारा जो है वो मरकरी है जो कि कंबस्ट की हालत में, मरकरी भी जो है ना चूँकि आपकी थाट से आपकी स्पीच से तल्लु रखता है, ये मैं अपनी कई वीडियोज़ में बता चुका, ये भी ग्रुप की हालत में। इसलिए आपको इस बार शर्फ कमर की वीडियो नहीं दी जा रही, जहन में रखिएगा ये वक़्त जो है वो इन अमाल के लिए पावरफुल नहीं है, इसलिए इस बार आपसे माज़रत चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो शर्फ कमर होगा उसमें जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन होगी उसके मुताबिक आपको हम ये वीडियो ज़रूर देंगे। ये वीडियो आज की स्पेशल देने का मकसद ये हुआ कि शर्फ शम्स पे हमने पिछले साल की वीडियो भी दी थी, मेरा ख्याल तो वही कारामद होगी, लेकिन नई वीडियो न आने पे बहुत सारे लोगों ने उसका तकाजा किया, और इसलिए शर्फ कमर की जो वीडियो हमारा मकबूल आम जो सिलसिला है इसके लिए वजाहत देना ये ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, और इसके मद्देनज़र इस बार का जो शर्फ कमर है वो हमारे लिए चूँकि बेहतर नहीं है आपको वीडियो नहीं दे रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी अच्छे मौके होंगे, जो भी अच्छी प्लैनेट्स की पोजीशन होंगी उसमें कुछ ना कुछ अमाल आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।